तो तुला राशि वालों को साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को भी दूर करने के लिए इस साल घर में कौन सी चीज लगानी चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, अब बारी है तुला राशि की। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है और आपकी सोच नकारात्मक हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शनि और चंद्रमा का संबंध आपकी कुंडली में हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शनि और चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है जिसके कारण आप अच्छी बातों में भी नकारात्मक विचार रख रहे हैं। अगर ऐसा है और निगेटिविटी बढ़ रही है तो चांदी का कोई भी सामान हर रोज आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि चांदी के गिलास में आपको पानी पीना चाहिए। शनि कृपा पाने के लिए सरसों के तेल का दान करना चाहिए। और किसी चीज़ को लेकर के अगर दिमाग में आपके भ्रम है या फिर जाने अनजाने में आपकी संगत गलत हो गई है और अब आप चाह करके भी उससे निकल नहीं पा रहे हैं, गलत फैसले लेने के कारण आप परेशान हैं, तो 11 शनिवार को कुत्तों को दूध आपको पिलाना चाहिए। लाल रंग के कपड़े कम से कम पहनने चाहिए। मंदिर में बेसन के लड्डू या केले दान करना चाहिए। शुक्रवार को पानी में इत्र डालकर स्नान करना चाहिए। परिवार में शांति रहे इसके लिए गुरुवार को मीठे चावल बना करके कौओं को खिलाना चाहिए। सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस तरह से भगवती दुर्गा की भी आराधना करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आप नित्य दुर्गा सप्तशती के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय का पाठ करना शुरू कर दें तो 6 महीने के अंदर आप जिंदगी की उस बुलंदी को छू लेंगे जिसकी कल्पना आपने कभी स्वप्न में नहीं की होगी। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय का संस्कृत में पाठ करें और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें तो आपके जीवन में वो उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा जिसकी आपने कभी परिकल्पना नहीं की होगी। जय मां विंध्यवासिनी।